हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी कटलेट बनाएंगे। ये कटलेट इतने टेस्टी बनते हैं कि इसे आप एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए, जब भी चावल बचेंगे तो आप इस कटलेट को ज़रूर बनाएंगे। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट कटलेट बनते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप चावल लिया है, ये रात का बचा हुआ चावल है। चावल को हम मेशर या चम्मच की सहायता से अच्छे से मेश कर लेंगे। चावल को हमें अच्छे से मेश करना है। चावल को हमने अच्छे से मेश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ग्रेटेड गाजर, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ, जिसे हमने बारीक बारीक काट कर लिया है। इससे कटलेट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू जिसे मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके लिया है, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो डो बनाने के बाद अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर कटलेट बनाएंगे। कटलेट का शेप आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम सारे कटलेट बनाएंगे। तो सारे कटलेट हमने बना लिए हैं, अब हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे। जार में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, दोनों हमें बराबर मात्रा में लेना है, 1/2 इंच अदरक, 2 छोटी साइज़ की हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कली, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 से 3 चम्मच पानी। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो चटनी बनकर तैयार है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। अब हम कटलेट को फ्राई करेंगे। 1/2 कप जितना ऑयल हमने पैन में डालकर गरम कर लिया है, ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है। अब हम कटलेट को फ्राई करने के लिए डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही कटलेट को हमें फ्राई करना है। थोड़ी देर इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर बाद अब हम चेक करेंगे। एक साइड से कटलेट पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे अब हम पलट देंगे और एक साइड से और इसे फ्राई होने देंगे। दोनों साइड से कटलेट को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। दोनों साइड से कटलेट पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो सारे कटलेट को अब हम निकाल लेंगे। सारे कटलेट को निकालने के बाद ही हमें फ्लेम को बंद करना है। कटलेट को गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे, तो बहुत ही चटपटे और मज़ेदार कटलेट बनकर तैयार होते हैं। इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।